नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल के प्रतिष्ठित समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा निगाह में 21-22 दिसंबर को व्यंगम और भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को स्वामी सदाफल देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज के अमृत वाणी का सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और ये जो आज विशेष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मूल वक्तव्य जो है 21-22, 21-12-2019 को निगाह में एक विहंगम योग का बहुत बड़ा और अद्भुत यज्ञ होने जा रहा है। 1100 कुंडे यज्ञ हो रहा है, इसमें श्रद्धालु पूरे देश भर से भी आएंगे और विदेशों से भी आएंगे, लाखों के संख्या में रहेंगे, अद्भुत नज़ारा रहेगा। तो ये स्वामी सदाफल देव जी महाराज का ये कार्यक्रम है। हमारे गुरुजी इलाहाबाद में रहते हैं, इनका जन्म प्रीतिकूट आश्रम में हुआ था, प्रीतिकूट में हुआ था, और इसका डिटेल बताएंगे हमारे समक्ष हमारे बड़े भाई गुरु भाई, वो डिटेल बताएंगे। मैं संक्षेप में कुछ सा बता देता हूँ प्रोग्राम क्या है। 21 तारीख को 5:30 से 7:30 बजे का अंकित श्वेत ध्वजारोपण और आसन प्राणायाम ध्यान होगा। 10:30 बजे जो शोभा यात्रा था, वो स्वामी जी एक कार्यक्रम में विलम्ब हो जाएगा, तो ये 2 से 3 बजे के आसपास हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा निकलेगा आपका निगाह से होते हुए हम लोग आसनसोल मार्केट से होते हुए GNR ब्रिज, वहाँ से जुबली होते हुए फिर इधर से हम लेके जाएंगे। इसमें काफ़ी तादाद में गुरु भाई गुरु बहन तो रहेंगे ही, साथ में काफ़ी समाज सेवी और विशेष बिजनेस के लोग भी रहेंगे और क्लब के बहुत सारे लोग रहेंगे। उसके बाद 6:00 बजे से संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का दिव्य वाणी जय सुरवेद कथा। उसके बाद 22 तारीख को प्रातः 10 बजे से 1101 कुंडीय विश्व वैदिक महायज्ञ होगा। ये यज्ञ है, देखिए कम से कम एक यज्ञ में 5 लोग बैठते हैं, 1100 मैंने 5,500 आहुतियाँ पड़ेगी। ये आपको इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, वायु के लिए बहुत ज़रूरी है, वायु शुद्ध होता है। तो और 5:00 बजे से संत प्रिय विज्ञान देव जी महाराज का दिव्य वाणी होगा। उसके बाद 8:00 बजे सदगुरु आचार्य श्री सतन देव जी महाराज की अमृत वाणी होगी। ये 2 दिन कार्यक्रम है, काफ़ी साफ सफाई का अभी कल चल रहा है। पिछले अभी 3 दिन से करीब करीब 2000 लोग आके रह रहे हैं, 3 दिन से कार्यक्रम बने शुरू है, क्योंकि सारा बड़ा मैंने कार्यक्रम है। तो मैं अब पूरे आसनसोल वासी, शिल्पांचल वासी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आप लोग आइए। ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ये जग, और मैं सभी से अपील करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग भी करें। मैं समाज से अपील करता हूँ, इससे समाज में ये भी मैसेज जाता है कि आपसी भाईचारा बनाए रखने का। और अभी 12/1/2020 को एक और कार्यक्रम होने जा रहा है, वो कार्यक्रम है आपका हमारे जो गुरुजी का जन्मदिन है विवेकानंद जी का। लास्ट ईयर भी हम किए थे विवेकानंद जी का जन्मदिन में, जन उत्सव में, उसमें वो विहंगम माने आप देखे थे लास्ट ईयर विहंगम, वो भी कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें वस्त्रदान रहेगा, अन्नदान रहेगा और बहुत सारे रहेंगे, तो वो भी कार्यक्रम 2 दिन का होगा। तो मैं सभी मीडिया बंधु को भी उसमें आमंत्रण करता हूँ, मैं जाऊँगा भी, और आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। बिगर मीडिया का सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है। और समाज में मैं एक और मैसेज देने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं बोला था कि आपका स्टेडियम का वो ज़मीन का व्यवस्था हो चुका है,
हम काफ़ी व्यस्त थे, वो आप मान के चलिए 2020 जनवरी के एंड में उसका आपका बाउंड्री वॉल वगैरह सब कुछ होगा, तो उसमें क्रिकेट एकेडमी में सब कुछ होगा, सब खेल होगा, सब खेल कूद, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो उसमें, और उसमें रेसिडेंशियल भी फैसिलिटी रहेगा। तो वो काम शुरू हो चुका है, वो जब होगा मैं बताऊंगा, शुरुआत जनवरी से कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि करीब करीब एक साल के अंदर में वो सारा स्टेडियम एक से डेढ़ साल में तैयार हो जाएगा। उसमें देखिए जितने आशाएँ गरीब बहुत हमारे आसनसोल में इतना प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन उनको सुयोग नहीं मिल रहा। तो देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें, और आप लोग से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी हमें सहयोग दें, हमारे साथ मिल के चले, क्योंकि मीडिया के बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। जब ये खेल कूद का जब हम ये व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा मेडिकल में, जो उसमें निःस्वास्थ्य मान लीजिए कि निःशुल्क भी होगा, और जो एफर्ट कर सकते हैं उसका चार्जेबल भी होगा रिजनेबल। तो मेरा जो फोकस है एक खेल कूद पे, दूसरा मेडिकल पे। आज देखिए हेल्थ रहेगा तभी सब कुछ हो सकता है, आज अगर हेल्थ नहीं रहेगा, बच्चे अच्छे खेलेंगे पढ़ेंगे तो उसके बाद मान लीजिए उसी माध्यम से आज क्या अच्छे खेलने के माध्यम से हर तरह का गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ये सब सुविधा है। तो मैं अभी बहुत कार्यक्रम करूँगा, अभी एक से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपको एजुकेशन में जाना है बहुत आस्ते आस्ते, लेकिन मैं फिर दोहराऊँगा मीडिया हमारे सपोर्ट में रहे, मीडिया हमें सपोर्ट करे, समाज का भी सपोर्ट है, क्योंकि आजकल थोड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया है। तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा हर राजनीतिक दल से अपील करूँगा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे CPM हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी को, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी को अपने मेहनत करके मैं चाहता हूँ समाज को कुछ दूँ। क्योंकि देखिए अभी समाज में बहुत कुछ का कमी है, जैसे गांव में हम विजिट करने गए थे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, एक तो शौचालय का तकलीफ है, साथ में मैं ओपन बोल रहा हूँ हमारे माताएँ हैं, ये जो उनका जो पीरियड होता है उस पर मैंने मैंने जाके देखा बहुत कष्टदायक था, उससे भी बीमारी फैल रहा है। तो वो जो पैड है वो बहुत कॉस्टली होता है, 75-80 रुपया, गांव के महिलाएं वो एफर्ट नहीं कर पाएगी। अभी देखिए एक स्किल इंडिया कंपनी तो सेंट्रल का है, मैं उस तरह का एक बनाने जा रहा हूँ जिसका कॉस्ट बहुत कम होगा, वो पूरे गाँव में फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटूँगा, वो जो पेड है, जो बच्चे महिलाएं सभी को लगता है वो निःशुल्क, हम जाके पूरे गांव में इतना कष्ट है, शौचालय नहीं है, इससे मान लीजिए कि बीमारी तो बढ़ेगा ना। आज किसी बाथरूम में जाए जिसको अगर पीरियड है उसमें अगर चला जाए, गारंटी है उसका बीमारी हो जाएगा। ये ओपन है, इसमें कोई बुराई नहीं, तो सच्चाई है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो मैं इस पर भी काम शुरू कर दिया हूँ कि पूरे गाँव में जा करके ये जो पैड है बच्चे लोगों के लिए वो निःशुल्क बांटूंगा, वो लाख जितना भी लगे, लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी लगेगा वो जाएगा, एक सिस्टम से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा। ये मैंने आपको ये मैसेज नया मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।